हेलो गर्ल्स, टुडे वी विल ड्रॉ स्ट्रेचर बॉन्ड, जो आपकी नेक्स्ट शीट है कंस्ट्रक्शन टेक्निक वन की, कॉट की। आपने इससे पहले ब्रिक की शीट की है, जिसमें आपको ब्रिक्स के मेजरमेंट्स कौन से और कैसे है वो आपको समझे। तो इसमें आपको आपकी जो वॉल होती है वो वॉल का एलिवेशन और प्लान कैसे दिखता वो ड्राफ्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको टी स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट करनी है, और यहाँ पे मैंने 90 के एंगल में लाइन ड्राफ्ट करके रखी है। ये ड्राफ्टिंग के लिए आपको M3 स्केल लगने वाली है, 1:10 आपको यूज़ करनी है, M3 की 1:10 स्केल आपको यूज़ करनी है। आपकी ब्रिक की जो वॉल होती है, तो वॉल में आपको सबसे फ्रंट में जो एलिवेशन में जो दिखता है उसकी हाइट दिखती है। तो हाइट कितनी ब्रिक की? 7.6। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट लेंगे 5, 6, 7, और 7 के आगे थोड़ा सा ये से 7.6, ऐसे हमें 5 times लेना है। आप उससे मोर भी ले सकते हो, बट 5 times आपके शीट के लिए सफिशियंट है, लुक के लिए भी और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऐसे आपको मेजरमेंट्स लेने हैं 7.6 मेजरमेंट्स याद रखना। और जहाँ पे आप एक बार डॉट ले रहे हो इक्वली, वहीं पे डॉट आपको सबको लेना है, मतलब आपको एक जैसे आपकी वो लेंग दिखे। मेजरमेंट्स लेने के बाद आपको लाइट ड्राफ्टिंग करके स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट करनी है। उसके बाद आपको ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से आपको लेना है 23, 10, 20, 21, 22 और ये 23। ऐसे ही आपको फॉरवर्ड करते जाना है, आपको एटलीस्ट 4 times तो भी मेजरमेंट्स लेने हैं। अब ये जो मेजरमेंट्स आपने लिए, यहाँ पे मैं आपको नंबर्स देने हैं। इसे कोर्स बोलते हैं, जिसे मैं नंबर दे रही हूँ उसे कोर्स बोला जाता है। तो जो है सम और आपका इवन एंड ऑड में आपको ये नंबर जो है वैसे करने हैं। तो अभी आपको 1, 3, 5 का यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स लिया है, 23 का, वो आपको लाइन ड्राफ्ट करनी है 1 में, 3 में और 5 में। सेम ये लाइंस जो है वो 1, 3, 5 1, 2, 5 में जब हम ये मेजरमेंट्स एक बार कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये ऐसे लाइन दिखेगी। 2 और 4 में हमें पहले लेना है 11.5, 10, 11, उसके आगे इसके अंदर 5, और फिर उसके बाद आपको फिर से लेना है 23, जो आपकी ब्रिक की लेंथ है, वही आपको मेजरमेंट कैरी करना है। फिर ये मेजरमेंट्स मैंने लिया है पहले 11.5, फिर 23, 23, 23, ये डॉट दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, वैसे मेजरमेंट्स लिए। बाद में आपको ये जो डॉट है ये आपको ऊपर लाइन ड्राफ्ट करनी स्ट्रेट लाइन 2 और 4 में। ये आपका हो गया इलेवेशन, ये इलेवेशन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा है, ये GL मतलब ग्राउंड लेवल, इलेवेशन नेमिंग की है। इसके बाद आपको थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ऊपर फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट करनी है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल जो आपको लाइन ड्राफ्ट करनी है वो इसी लाइन में आपको ऊपर फॉरवर्ड करना है, याद रखना। उसके बाद आपको ये जो मेजरमेंट्स आपने लिए 23, ये यही ऊपर आपको कैरी फॉरवर्ड करने रहते हैं, एक्सटेंड करने रहते हैं। यहाँ से आपको लेना है 11.4, क्योंकि अगर आपने ब्रिक देखा होगा तो जब आप टॉप से देखते हो प्लान से, तो आपको उसका विड्थ और उसकी लेंथ दिखती है, तो आपको 11.5 यहाँ से लेना है। ये मैंने जो पॉइंट की लाइन है ये आगे एक्सटेंड की, और फिर यहाँ पे ये आपका 1 कोर्स में दिख रहा है, 1, 3, 5 का कोर्स का वो लाइन आपको ऊपर
एक्सटेंड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ से दिख रहा है मेजरमेंट्स, ये लिया है आपने 11.5 का, तो वही आपको यहाँ पे थोड़ा सा इधर लेके, मतलब क्योंकि 11.4 है वो लाइन आपको ऊपर एक्सटेंड करनी है। और फिर यहाँ से आपको फिर से लेना है 23। ये आपको ज्वाइन करना है और फिर यहाँ सेम यहाँ पे भी आपको एक ब्रेक लाइन देनी है। ये जो आपका प्लान है, ये पहले हमने कौन सा मार्क आपका जो मेजरमेंट है वो कौन सा अपन ने एक्सटेंड किया है 135 का, तो ये जो प्लान है ये आपका कोर्स 135 का है। अभी फिर से हमें एक प्लान निकालना है 24 का, तो उसके लिए आप फिर से एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्राफ्ट करोगे। पहले लाइट ड्राफ्टिंग करनी है, उसके बाद आपको डार्क करनी है। मैं आपको वीडियो में क्लियर दिखे इसलिए पहले ही डार्क कर रही हूँ, याद रखना। अभी यहाँ पे आपने पहले 1 का कैरी किया था, यहाँ पे आपको 2 का करना है। सो 2 का आपका क्या है, पहले 11.5, तो ये आपको 11.5 का जो है ये मैंने लाइन एक्सटेंड की। फिर यहाँ से आपको फिर से 11.5 लेना है और ये यहाँ से एक्सटेंड करना है। बाद में आपको 2 के कोर्स में दिख रहा है 23 का, ये जो लाइन्स है 2 और 4 के, तो ये आपको ऊपर एक्सटेंड करने हैं। यहाँ से फिर से आपको 23 का मेजरमेंट्स लेना है, 21, 2, 3। और फिर यहाँ पे मैंने ये ब्रेक, आपका ये कोर्स का प्लान होने के बाद आपको नेमिंग करनी है टूथिंग। टूथिंग जो होती है वो ब्रिक का जो एंड होता है उसे टूथिंग बोला जाता है, और स्ट्रेचर जो होता है वो आपकी फुल ब्रिक होती है उसे स्ट्रेचर बोला जाता है। यहाँ पे कोर्स नेम है, उसके बाद द एलिवेशन ऑफ स्ट्रेचर बॉन्ड शो यू स्ट्रेचर ऑफ मेजरमेंट, ये जो आपको दिख रहा है 23x7.6 ये एलिवेशन में ये उसका मेजरमेंट है। आपको फिर नेमिंग देना है स्ट्रेचर बॉन्ड। आपकी ये शीट फिनिश होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये ऐसे दिखेगी। थैंक यू।